खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। का जो कार्यक्रम था, वैसे आप सभी जानते हो कि 31 जनवरी 2019 को वर्ली स्थित NACI डोम में वन फॉर ऑल ऑल फॉर वन सैनिकों के सम्मान का कार्यक्रम होने वाला है, जिसको हम कहते हैं कि शहीदों के परिवार का सम्मान वहां पर होता है। पिछले साल 2018 में भी हुआ था। उसकी तैयारियां करने के लिए हर रविवार को अलग अलग जगहों पे पूरे मुंबई में ये हमारे अथर्व फाउंडेशन के कार्यकर्ता जाते हैं। करीबन सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे तक करीबन 40 से 50 जगहों पे 20-20 कार्यकर्ताओं की टीम जाती है, जिसमें स्टूडेंट्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, नागरिक होते हैं, अलग अलग दलों के कार्यकर्ता भी होते हैं, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी होते हैं। और ये अभियान जैसा हम चलाते हैं, जिसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं, इस देश में हमारे सेना के जवानों को सम्मानित करने हेतु का जो कार्यक्रम है, उसकी तैयारी के लिए हर रविवार से ये कार्यक्रम हम करते हैं। कब तक रहेगा? लास्ट 31 तक रहेगा ये? 31 तक रहेगा, हर संडे को होता है। जैसे कि जिसको हम कहते हैं कि ये योजना हमने जो बनाई है, जिससे जागरण अभियान इसको हम कहते हैं, हर रविवार को सुबह करीबन 800 से 900 वॉलेंटियर्स मुंबई के अलग अलग जगहों पे जाते हैं, गार्डन्स में जाते हैं, रोड्स पे जाते हैं, वॉकर्स को मिलते हैं, नागरिकों को मिलते हैं, उनको ये कहते हैं कि ये कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों है। इस देश में हमारे सैनिकों के सम्मान करने के हेतु हमारा आज का नौजवान, हमारा आज की युवा पीढ़ी, इसको हमें अवगत कराना है कि इस देश के सैनिकों का सम्मान करना ये हर नागरिक का कर्तव्य है। इस बार क्या मांगे रहेगी आपको मुख्यमंत्री जी से? क्या इस बार की मांगे आज मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। इस बार की मांगे आपको 31 जनवरी को ही समझ में आएगी। आप सबको आज आने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। एक तो वैसे तो मैंने हर बार कहा है कि ऐसे दिलेर मुख्यमंत्री हमने देखे हैं कि जिन्होंने ऐसी समस्या को, ऐसे प्रश्न को तुरंत छुड़ाने का काम किया। आने वाले समय में भी बहुत सारी छोटी छोटी समस्या अलग अलग बनी हुई है सैनिकों के लिए, उसकी हम जांच कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। पर मेरी ये आशा है कि आने वाले 31 जनवरी को जो हम मांग करेंगे, करीबन 25 से 30 हज़ार लोगों के सामने मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे, हमारी ये अपेक्षा है कि मुख्यमंत्री महोदय उस मांग को भी पूरा करें। सर, कंप्यूटर करीबन जब हमने 29 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो करीबन 100 कंप्यूटर थे, अभी करीबन 350 कंप्यूटर तक हम पहुँचे हैं। और ये हमारा लक्ष्य, मुझे लगता है करीबन 1000 तक पहुंचाने का मेरा लक्ष्य है इस साल। क्या अपील करेंगे दर्शक से? जो हम दर्शकों से यही अपील करते हैं कि हम क्षमतावान हैं, हम इस हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तान के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। हमारी देश की सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सीमा के लिए, सीमा को सुरक्षित रखने वाला अपना जवान अपने प्राणों को कुर्बान कर देता है, अपने आत्मा का बलिदान कर देता है, उसकी याद में हर नागरिक ने न बल्कि महीने में एक बार, न बल्कि 15 अगस्त को या 26 जनवरी को, बल्कि कम से कम हर रोज एक मिनट उस जवान की अगर याद करे तो हिंदुस्तान सामर्थ्यशाली, वैभवशाली, गौरवशाली होगा। और ये हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ी सैनिक को उनके दिलों में हर दिन ताज़ा रखेगी, याद रखेगी। उनके लिए हमें गौरवान्वित होना पड़ेगा। इसको अभी अलग अलग एक्सटेंड करने वाले, जैसे हमारी युवा महिलाओं की टीम है, ऑल द गर्ल्स विल गो इन द ट्रेन, जो महिला स्पेशल चलती है, उसका आपको हम बताएंगे कब करने वाले हैं। 26 जनवरी को तिरंगा रैली होने वाली है, एक तिरंगा रैली मलाड में होगी, मलाड़ कंदिवली बोरीवली के लिए, जहाँ पर महिलाओं के माध्यम से तिरंगा बाइक रैली होगी। एक सबसे बड़ी रैली इस जिला में होने वाली है, जिसका समापन रेसकोर्स का जो पार्किंग लॉट है वहाँ पर होगा। करीबन 10,000 बाइक वहाँ पर आएगी,
उसका 26 तारीख को 10 बजे सुबह झंडा वंदन होगा, तिरंगा रैली वहाँ पर समापन होगी, वहाँ पर भाषण होगा। उसके पहले अलग अलग जगहों से, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कॉलेजेस में करीबन पिछले महीने भर में हमारी टीम ने, जैसे बालाजी शिंदे है, ज्योति माली है, इन सभी ने मिल के करीबन 120 कॉलेजेस में व्याख्यान दिए, भाषण दिए। आने वाले समय में भी करीबन बचे हुए 100 कॉलेजेस में हमारी टीम जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा छात्राओं को जोड़ने का प्रयास होगा। एक इनिशिएटिव सर आपने अनाउंस किया 365, उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैंने कहा है कि ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, ये मेरी योजना नहीं है। सिर्फ उस प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की योजना को मैं जनता तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हम देश में रहते हैं, देश को सुरक्षा पाते हैं, इस सुरक्षा दिलाने वाला कौन है, तो वो वहाँ पर बैठा हुआ सरहदों पे बैठा हुआ अपना जवान है। उस जवान के लिए हर दिन अगर आप 1 रुपया सैनिक निधि में जमा करें तो मुझे लगता है कि 1 साल के 365 रुपये होते हैं। मैं तो कहता हूँ केले वाला, ठेले वाला, फेरी वाला, कोई भी छोटा से छोटा व्यक्ति अगर 1 रुपया अपने जवान के लिए हर रोज का निकाल के बाजू में रखेगा तो उसने ये देश की सैनिकों की निधि के लिए देने की आवश्यकता है। और 365 रुपया होता है, 365 रुपया आप चेक में जिला सैनिक बोर्ड को दे सकते हो, राज्य सैनिक बोर्ड को दे सकते हो, अथर्व फाउंडेशन को दे सकते हो, लेकिन हर व्यक्ति ने 365 रुपये की पर्ची अपने खिसे में रखने की आवश्यकता है।